एक बार नारा ला रहा था अगर हमारा हक दे कर रहो हम भिखारी दे कर जाएंगे। इनके ट्रेन की जरूरत नहीं है, जिसका नाम है बबली हो वो कर भी क्या सका है। पर लेवल दिखा दो कहते बटे उठवाना मैं रहे हैं सारे हरियाणा के जे टिका टाका करना वो तो बता दे है डेस्क है, बाकी दो तीन दिन पहला समैन ने बता दिया उसका लेवल के है। बाकी एक आज टीम थोड़ा है आप जुड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जे असलियत में धर्म क्रांतिकारी खून है डीएनए ओरिजिनल है गोडे टिकाने का रूसर काम कराइयो कदे ऊ कच्चा काम कर दो भाई जो भी फैसला लोगे जो भी एड दे फैसला लोगे चारा गल्ला मैंने मरना पड़ जो तारा गल्ला रहूंगा और बोलो जय जवान जय किसान। ना तो यो बीजेपी का और ना यो बीजेपी का ये काली गाड़ी और इन देगे नोट मंत्री तो बन लिया। ये जो अपमान कर रहे हैं आज आज ये कह रहे हैं सरपंच चोर है क्या बात मंत्री जी नंगड़ क्यों कर लगे क्यों कर रहे हैं। ये जिस तरह अपने साथ चल रहा है इन तय सौ गुणा उल्टा चल लांगे चलो जड़े तक चलना है छुट्टी है इनकी। सरपंच इनके बाप ने नहीं बढ़ाया अपने दम पे सरपंच बने हैं 10,000 वोट के सरपंच है भाई और 7,500 वोट लेकर सरपंच बने हैं इस बबले ने थोड़ा नहीं बनाए यहाँ। यो के वह चोर है अब वो सभी तो आके देख तो तने बतावा चोर है। देवेंद्र बबली जी को खुला चैलेंज है मेरा मन से मैं इस्तीफा लिख के लेके आया हूँ मैं अपने पद से इस्तीफा देऊंगा। देवेंद्र सिंह बबली या हरियाणा कोई भी मंत्री फैजलपुर आके चुनाव लड़ने सरपंची तो बहुत बड़ी चीज है वार्ड का मेंबर बनकर दिखाते फैजलपुर तक मैं इस्तीफा देऊंगा लिख के ले आया साहब। एक बात और बताऊ पांचवी बार धनखड़ साहब मंत्री थे पर ये तो चोरी चढ़ाई थी और दो नटकसे थे पक्का काम कर दिया था और ये तो टोआना पर कर दे रही हो हरी गल हाथ जोड़े मुखा उन्हें बढ़ जाए नच्छ देने। प्रोग्राम में कोई सरपंच साथी नहीं जाएंगे हाथ करके इनको आह्वान कर दो पूरे सरपंच साथी भी विरोध कर रहे हैं अकेला अकेला बैठा रहेगा अपने घर पे कोई सरपंच साथी नहीं जाएगा हम बायकॉट करते हैं और उसका विरोध करने भी पहुंचेंगे विधायक खेड़ा के अंदर लेकिन उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे पूर्णतः बायकॉट। और आज हम इस स्टेज के माध्यम से जिस तरह कल समेण गांव ने शुरुआत की थी कि हमारे गांव में जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हमारे गांव में एंट्री नहीं करेगा क्या आप सभी फैसले से सहमत हैं एक बार हाथ करके खड़ा करके बता दो। सभी सरपंच साथी कहे किसी को भी नहीं घुसने देना गांव के अंदर आप गांव के मुख्यमंत्री हो आप अपने अपने गांव के मुख्यमंत्री हो ये अपने आप को हरियाणा का मानते तो हम अपने गांव के सिर्फ न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरा हाथ जोड़ के राम राम। फिलहाल टुहाणे में पहुंच गई है सिर्फ न्यूज की टीम और गेल्ला पहुंच गए हैं सारा हरियाणा के सरपंच। एक बार कैमरा घुमा के कहूंगी कि दिखा दे कि भाई पूरे हरियाणा के सरपंच जो है अरे पहुंच गए हैं सरकार के खिलाफ जो नाराजगी जो देवेंद्र बबली के खिलाफ नाराजगी ई टेंडरिंग ने लेके और राइट टू रिकॉल ने लेके वह नाराजगी एक से तो जो है उभर लग रही है सरपंच सारे इकट्ठा हो लिए हैं और इकट्ठा होके सरकार की ओर चैलेंज दिया जाने लग रहा है कि जो हमारा ई टेंडरिंग का नया सिस्टम लागू कराना है या तो ये उल्टा ले लो या फिर सरपंच ईंट दे ईंट बजा देंगे यो कहना है सरपंचा का। फिलहाल जो है स्टेज से हमें देखने लग रहे हो स्टेज पर चढ़ के जो है अलग अलग सरपंच ऊपर जाके अपनी अपनी तरफ से सरकार ने चैलेंज देने लग रहा है कि सरकार जो है बड़ी भूल करने लग रही है ई टेंडरिंग लागू करके और देवेंद्र बबली का राइट टू रिकॉल का बयान भी जो है खूब नाराजगी का कारण बन रहा है और नाराजगी क्यों कर जा रही है सरपंच करने लग रहे हैं चलो तो हमने सुनवा दा। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज जो सरपंच हरियाणा भर के इकट्ठे हुए हैं कि लगे है कि सरकार की चूल जो हिला पाएंगे या आप क्या सरकार की चूल तो आज हिल चुकी है जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज हमें सारे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे हुए हाँ जी हमने किमें भी करना पड़ जाओ 10 दिन का भीतर भीतर हमारी मांग पूरी करके हमारा मांगे हमें अगर यह झूठी गंदी सरकार है ना मानना नहीं कि नहीं जी हमने सारे बोलो का ताले लाने पड़ जाओ और जी सारे रोड जाम करने पड़ जाओ। मैं चंडीगढ़ लगवा पूछना चाहूँ खट्टर साहब सोच लिए हम सरपंच है ना छोटी सरकार है
उल्टी नहीं हटाई है सरकार है। जी हमने किमें भी करना पड़े जियो, जी हमने रोड जाम करने पड़ जियो, जी पे लोग बंद करने पड़ जियो, हम उल्टा नहीं हटाएंगे। कोई भी सरपंच पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल भैया बात सच है कि सरपंचा की जो नाराजगी है वो लगातार जो है साफ जाहिर होने लग रही है। और आपने तो इसपे चैलेंज भी दिया था, बोले मेरा काम तो बोला कोई मंत्री जीत के दिखा दियो, सरपंच से मैं जीता हूँ। बिल्कुल देखो जी, अभी हमारे पास का गाँव नाडोड़ी, वहाँ का मामला था, वहाँ मंत्री जी ने वहाँ जो सरपंच है वो एक वोट से जीत के आया था, तो उनको धमकाने का काम किया था। बोले आप एक वोट से जीत के आए हो, क्या बड़ी बात है? बोले मैं दोबारा चुनाव करवा दूंगा, आपको सस्पेंड करवा दूंगा, राइट टू रिकॉल करवा दूंगा। अगर सरपंच बनना इतना आसान नहीं है, मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, अगर इतना आसान है ना तो मैं इस्तीफा मेरी जेब में डाल के लेके आया था जी। भी मंत्री जी अगर मेरे गाँव से चुनाव लड़ रहे हो, मंत्री जी लड़ना चाहता हो, मुख्यमंत्री लड़ना चाहता हो, कोई भी विधायक मंत्री कोई भी मेरे गाँव से चुनाव लड़े सरपंची का, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ और एक वोट से वो जीत के दिखाए। सरपंच बातों से नहीं बना जाता, MLA MP जो है भाषणों से बन सकते हैं, पार्टी की लहर से बन सकते हैं, लेकिन सरपंच जो ग्राउंड लेवल पे जिसने काम कर रखा है ना, गांव राम उसे ही सरपंच बनाता है। इसलिए मंत्री जी से कहना चाहूंगा, बड़बोले बोल बंद करें और जो हमारी सरपंचों की मांग है उसको सुने। आप हमारे मंत्री, हमारे परिवार के मुखिया हो, आप ये अच्छी हरकतें मत करो, हमारा साथ दो, हमारे जो काम है, हमारी जो मांग है उनको पूरा करो। उस गूंगी बारी सरकार ने, मैं एक बात सब तक कहना चाहूँ, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो एक आश्वासन दिलाना चाहूँ मैं, उसकी मैं लोगों हरियाणा में सब हरियाणा में हम सारे सरपंच है, एक शपथ लेवा स्टेज में खड़े के, आज तुम्हारे इकट्ठे हो ना, क्यों है यहाँ हम नु इकट्ठे हो यहाँ, किसे MLA मंत्री ने हम कड़े भी घुसने नहीं देवांगे, सब हरियाणा में कोसा भी गाँव में घुसने नहीं देवांगे, या छोटी सरकार ने बड़ी सरकार ने ढाने का काम करेगी, हम यह चेतावनी देना चाहूँ। फिलहाल आज की अगर बात जी, अभी 22 तक हम सब कमेटियां बना लेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो सबसे पहले आमरण अनशन पे मैं बैठूंगा, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी आमरण अनशन पे रहूंगा। अगर ये क्योंकि सरकार की आदत है, जब तक 5-7 आदमी मर नहीं जाते ना तब तक डिमांड पूरी नहीं करती। अगर मरना पड़ा सबसे पहले मरने के लिए मैं तैयार हूँ, आमरण अनशन पे मैं बैठूंगा, या तो सरकार मांग लेगी नहीं फिर हम अपने प्राण दे देंगे। अभी जो है आने वाला कुछ टाइम में जो है देवेंद्र बबली के घर पे एक फंक्शन भी धरा गया था, उसमें सारे सरपंचों ने फिलहाल कहा कि भाई नहीं जाएंगे, अगर फिर भी कुछ सरपंच जो है आपकी एकता से अलग होके जाओगे पूछो तो उनके सरपंच नहीं जाएगा, सरपंच नहीं जाएगा वहाँ, सरपंच आएगा देवेंद्र बबली का विरोध करने के लिए जाएगा। अगर कोई सरपंच आपकी एकता से अलग होके वहाँ पहुंचे तो अगला कदम नहीं, नहीं सभी सरपंच है, कोई भी सरपंच नहीं जाएगा वहाँ, हम उसका ओका पानी बंद कर दे सरपंच का, जो मारता है हरियाणा सरपंच अलग सरपंच चले गया और को मंत्री ने बुला लेगा, हम उसका ओका पानी बंद कर देवांगे। हरियाणा की एक के खासियत है, अगर हमने ओका पानी बंद हो गया तो भाईचारा टूट गया, फिर उसका पल्ला के रह जाएगा फिर सरपंच का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई तुहाने तो ये अपडेट आने लगा, आगे भी जो भी मामले में अपडेट होगी वह सिटी विद न्यूज हमने जरूर देगा, क्योंकि लगातार पूरे हरियाणा की हर बड़ी खबर पर नजर जो है सिटी विद न्यूज की रहने लग रही है, हर खबर की अपडेट हमने दिखाने लग रहे हैं। जो आज जो है टुहाने में दिखाई है कि भाई सरपंच जो है इकट्ठा हो लिए हैं और नाराजगी तो उनकी पहले तय, खैर तमने के लगा है कि जो ई टेंडरिंग ने लेके सरपंचों की जो नाराजगी है वह सही है या गलत, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जरूर बताइयो। और जो देवेंद्र बबली का राइट टू रिकॉल ने लेके बयान था वो किस हद तक सही या गलत हम मानो, उसने भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय जरूर बताइयो। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। राम राम।